दोस्तों आज हमारे पास नोवा की तरफ से आने वाली नोवा एनएसटी 1094 ट्रिमर और इसी ट्रिमर के आज की इस वीडियो में कंप्लीट अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक आप देखिएगा जरूर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक गुप्ता और आप देख रहे हैं learnabhi.com, हर दिन सीखो कुछ नया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक चीज कंफर्म कर दूं, दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो। इस प्रोडक्ट को हमने आपकी जैसे व्यूअर्स के रिक्वेस्ट पे ऑनलाइन परचेज किया है जस्ट फॉर रिव्यू पर्पस, इसीलिए आप सभी से भी एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है और अगर आप इस ट्रिमर को ऑनलाइन खरीदना ही चाहते हैं, देन प्लीज परचेस इट फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन बिलो, जिससे ये ट्रिमर आपको सबसे सस्ते दाम में मिल जाएगी और थोड़ी सी हेल्प हमारे चैनल को भी हो जाएगी। अब चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं ट्रिमर की कंप्लीट अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। तो अगर हम बॉक्स कंटेंट की बात करें तो एट द टॉप यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, दिस ट्रिमर सपोर्ट्स स्टेनलेस स्टील सेल्फ शार्पनिंग ब्लेड विद डिस्कनेक्टेबल चार्जिंग टाइम 8 आवर्स। 8 घंटे कंप्लीट चार्ज करने पर आपको इस ट्रिमर में 45 मिनट्स की बैटरी बैकअप मिल जाती है। इसी के साथ साथ इसमें आपको टोटल 40 लॉक सेटिंग देखने को मिलता है, जो स्टार्ट होगा 0.5 mm से लेकर 20 mm तक। बॉक्स के पीछे में बाकी के सभी स्पेसिफिकेशंस मेंशन किए हुए हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को पॉज करके सभी स्पेक्स पढ़ सकते हैं। अब चलिए बिना वक्त गवाए फटाफट इस बॉक्स को करते हैं हम अनबॉक्स। जैसे ही हम बॉक्स को खोलेंगे सबसे पहले हमें मिलता है एक यूजर मैनुअल, जहां पे सभी बेसिक गाइडलाइन दिया हुआ है ऑन हाउ टू यूज दिस ट्रिमर। इसके अलावा हमें मिलता है एक यहाँ पे कैरिंग पाउच, तो इस कैरिंग पाउच की हेल्प से आप अपने ट्रिमर को कहीं भी कैरी करके लेके जा पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर हमें मिलता है एक चार्जिंग केबल, जिसके हेल्प से आप अपने ट्रिमर को चार्ज कर पाएंगे। एंड अनफॉर्चुनेटली दिस इज नॉट अ यूएसबी चार्जर, तो आपको इसी ट्रिमर के चार्जर से ही इसको चार्ज करना पड़ेगा। स्मार्टफोन के साथ आने वाले चार्जर से आप इस ट्रिमर को चार्ज नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा हमें मिलता है यहाँ पे एक ऑयल, जिसे आप वक्त आने पर ब्लेड पे यूज कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ हमें मिलता है एक एक्स्ट्रा कॉम्ब, जिसके हेल्प से आप 20 mm के सेटिंग तक अपने बियर्ड को ट्रिम कर पाएंगे। और एक है छोटा सा ब्रश, तो ये है क्लीनिंग ब्रश, जो हेल्प करेगा आपके ट्रिमर के बालों को क्लीन करने में। और सबसे आखिरी में मिलता है हमें ये ट्रिमर, तो ये है हमारा नोवा की तरफ से आने वाली नोवा एनएसटी 1094 ट्रिमर। तो अगर हम इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें, इट इज कंप्लीटली मेड अप ऑफ प्लास्टिक, तो क्वालिटी वाइज मुझे इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी सही यहाँ पे देखने को लग रही है। एट द टॉप यहाँ पे दिया हुआ है सेटिंग्स, तो जहां से आप चाहो तो पूरी के पूरी सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। मिनिमम सेटिंग यहाँ पे दिया हुआ है 1 mm, और जैसे जैसे आप इसको रोटेट करेंगे आप देखेंगे इसका सेटिंग चेंज हो रहा है। और मेरे माने तो इसका सेटिंग बहुत ही बढ़िया से काम कर रहा है विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो ये जो बटन है सेटिंग चेंज करने का, इट इज वर्किंग परफेक्टली। इसी के साथ साथ नीचे की ओर देखें तो ये है हमारा पावर ऑन एंड ऑफ का बटन, जिसे ऊपर करते ही आपका ट्रिमर ऑन हो जाता है और नीचे करते ही आपका ट्रिमर ऑफ हो जाता है। नीचे की ओर देखें तो हमें मिलता है चार्जिंग LED, तो जो बताएगा आपका ट्रिमर चार्ज हो रहा है या फिर नहीं। एट दी बॉटम आपको मिलता है चार्जिंग पोर्ट, जहां पे आप चार्जर को कनेक्ट करके इस ट्रिमर को चार्ज कर पाएंगे। पीछे में देखें तो यहाँ पे इस ट्रिमर का मॉडल नंबर मेंशन किया हुआ है, जो कि नोवा एनएसटी 1094 ट्रिमर। तो चलिए आप एक झलक जानते हैं इस ट्रिमर की कॉम को हम बाहर किस तरह से निकाल पाएंगे। तो मेक श्योर दोस्तों, ट्रिमर की कॉम को बाहर निकालने के लिए आप अपने ट्रिमर के सेटिंग को मैक्सिमम लेवल पर ही रखें, जो कि है 10 mm। उसके बाद हल्के से इस कॉम को बाहर की ओर पुश करें लाइक दिस, और बड़े आसानी से आपका ट्रिमर का कॉम बाहर आ जाएगा। हालांकि ये है छोटा वाला कॉम, जिसकी हेल्प से आप 1 mm से लेकर 10 mm की सेटिंग तक अपने बियर्ड को ट्रिम कर पाएंगे। और इसके साथ साथ हमें मिलता है और एक एक्स्ट्रा क्रॉम, तो इस कॉम के हेल्प से आप 11 mm से लेकर 20 mm के सेटिंग तक अपने बियर्ड को ट्रिम कर पाएंगे। तो कॉम को फिक्स करना बहुत ही आसान है, बस आपको इस कॉम को यहाँ पे इस तरह से अटैच करके हल्का सा प्रेस कर देना है। एंड डेट्स ऑल, आपका कॉम देखिए बड़े ही आसानी से यहाँ पे फिक्स हो जाता है। और उसके बाद अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप अपने कॉम को एडजस्ट करके अपने बियर्ड को ट्रिम कर पाएंगे। अब चलिए एक नजर हम देखते हैं इस ट्रिमर की ब्लेड को किस तरह से हम निकाल पाएंगे। ट्रिमर की ब्लेड निकालने के लिए बहुत ही आसान है, बस आपको अपने अंगूठे के हेल्प से इस ब्लेड को बाहर की ओर हल्का सा पुश कर देना है लाइक दिस, और अब देखिए बड़े आसानी से आपका ट्रिमर का ब्लेड बाहर आ जाता है।
और अंदर की ओर देखें तो अंदर का मोटर वगैरह दिया हुआ, दैट इज सेम एज अदर ट्रिमर, और ये है इसका स्टेनलेस स्टील ब्लेड। अब चलिए इस ब्लेड को हम इस पे फिक्स कर लेते हैं। तो ब्लेड को फिक्स करना बहुत ही आसान है, बस आपको सबसे पहले यहाँ पे इसको इस तरह से बिठाना है, और बिठाने के बाद इसको हल्का सा प्रेस कर दीजिए एंड दैट्स ऑल। आप देखिए आपका ट्रिमर का ब्लेड बड़े आसानी से यहाँ पे फिक्स हो जाता है। तो यही था इस ट्रिमर की अनबॉक्सिंग एंड ओवरऑल लुक एंड डिजाइन। रही बात इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में अपने बियर्ड को लाइव ट्रिम करके दिखाऊंगा। तो अभी कभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज के प्रोडक्ट रिव्यू पसंद आया होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। और अगर आप इस ट्रिमर को सबसे सस्ते दाम में ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं देन प्लीज परचेस इट फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन बिलो, जिससे थोड़ी सपोर्ट हमारे चैनल को भी हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।